ने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ पे फ्रंट में हालत देखो मोर पास्ता। पहली बार टेस्ट करे बकबका तो नहीं लग रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस, क्योंकि आप हर व्लॉग पे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। एक्चुअली मैं अपनी जो वार्डरोब है ना, उसके ये एक या दो कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करूँगी अपनी पोस्ट डिलीवरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब पता नहीं मेरी उस समय क्या सिचुएशन हो, कैसी हालत हो। वैसे तो भगवान जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की ब्लेसिंग से आई नो कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक से होगा, लेकिन ये सब कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ही अभी कर सकती हूँ और फिर बाद में मतलब मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरी बहुत सारी ड्रेसेस जैसे मैं अभी पहन रही हूँ और बाद में वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग, नर्सिंग के अकॉर्डिंग मुझे अपनी जो ड्रेसेस हैं वो सब सॉर्ट आउट करके रखनी पड़ेंगी। जो बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी उनको मैं सब पीछे करके रखूंगी। और यहाँ पे सौरभ ने मुझे एप्पल लाके दे दिया, क्योंकि फ्रूट्स खाने में ना मैं थोड़ी सी चोर हूँ, बस मैं खाना खा लेती हूँ उतना ही, और फ्रूट्स वगैरह का ना उतना है नहीं मेरे को। अभी भी प्रेगनेंसी में भी ये है, तो बस यहाँ पे मैं यही सब काम कर रही हूँ। और ये ना देखने में छोटा काम लग रहा है, लेकिन जब करने बैठो ना ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मेरे कम से कम एक दो घंटे निकल गए इस काम में। क्योंकि वीडियोज़ क्या है ना, वो मतलब 15-20 मिनट्स की रहती है, उसमें मतलब दिखाना पड़ता है सब कुछ, तो इसलिए भगा भगा के सब दिखाना पड़ता है। लेकिन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, क्या यूज़ होगा क्या यूज़ नहीं होगा, तो अभी जितना भी शरीर में ताकत है तो अगर अभी मैं कर लूँगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल होगी। एटलीस्ट ये है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो सौरभ मुझे ईजिली निकाल के दे पाएंगे, क्योंकि मैं सौरभ को समझा दूँगी मेरी कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी क्या है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखने का शौक़ है। सौरभ को कोई चीज़ बताती हूँ तो वो ढूंढ लेते हैं, तो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अंधेरे में भी कोई चीज़ ढूंढे तो वो मिल जाए, और मेरा ऐसे ही रहता है। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी जो फैमिली है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रही है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहीं से ही आपको मेरी न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इंस्टाग्राम आईडी मेरी नेहास क्रिएटिविटी, अगर आप वहां पर चाहें तो मेरे डेली अपडेट्स के लिए वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने, जैसे अभी आप मेरी जींस देख रहे होंगे, तो ये ना मैंने बहुत टाइम पहले ही पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि ये मुझे आती नहीं थी, और मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी पैंट्स हैं वो सब मैंने ले ली थी। तो ये जितनी भी मेरी वर्कआउट पैंट्स हैं या फिर जीन्स हैं, इनको मैं सब अलग ही उठा के रख दूंगी, इस वाले मतलब उसमें नहीं रखूंगी कंपार्टमेंट में, तो ऐसे ना इजी हो जाएगा। तो मैंने अपनी जो फुल पैंट्स हैं, क्योंकि आगे आगे जो वेदर है वो हो सकता है कि थोड़ा ठंडा रहे थोड़ा गर्म रहे, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी हाफ पैंट्स हैं वो, फुल पैंट्स हैं वो, और जो एकदम कम्फर्टेबल हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं ना कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब सब ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अनवित के टाइम में मेरा सी सेक्शन हुआ था, और सी सेक्शन में ना फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये सब लो वेस्ट वाली कपड़े पहनने में ना, बॉटम्स वगैरह, तो इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइज करूंगी। हाफ टी शर्ट की अगर जरूरत लगेगी तो हाफ अलग से रखूंगी, तो ऐसे करके मैं अपना ऑर्गेनाइज करूंगी। और आप ये देख रहे होंगे कि कुछ लोग बोल सकता है कि कार्ड बॉक्स अच्छा नहीं होता वार्डरोब में रखना, लेकिन क्या है ना, मेरा जो ये वाला कंपार्टमेंट है ना, इसमें मैंने ये वाले जो कार्ड बॉक्स रखे हैं ना, ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं कि इनको मेरा निकालने का मन ही नहीं करता। क्योंकि जैसे मेरा पैंट का अलग है, टॉप्स का अलग है, तो उसमें शुरू से ही ऐसे ऑर्गेनाइज हुए हुए रखे हैं, और ऐसा ऑर्गेनाइजर मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिला। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं पैंट्स लगा रही हूँ, उसके नीचे भी मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी बिल्कुल यूज करना एकदम बंद कर दिया, और तो इस अकॉर्डिंग मतलब मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो
तो ये देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट काम है, अगर मैं ये अभी करके रख लूँगी ना तो आगे की मेरी जो मुश्किलें हैं ना वो मतलब आसान हो जाएंगी, ये है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके सोच रही हूँ कि ऐसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि एक बार बेबी आ गया तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, तो फिर उतना शायद ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर अगर टाइम पर चीज़ें ना मिलें तो भी फिर दिक्कत होगी। एटलीस्ट अभी करके रखूँगी, टैग लगा दूंगी तो मुझे ही आसानी होगी, और जो मुझे सामान उठा के देंगे उनके लिए भी आसानी रहेगी। तो इसीलिए अपनी आसानी के साथ साथ दूसरे की कंफर्ट का भी ध्यान रखना है कि ताकि सौरभ को परेशानी ना हो। तो जैसे मैंने अपनी हाफ पैंट फुल पैंट सब आगे पीछे करके ऐसे लगा दिया है, नाइट सूट्स जो मेरे यूज़ होंगे, फुल स्लीव टॉप जो मेरे यूज़ होंगे फुल स्लीव अलग लाइन में लगाया, हाफ स्लीव अलग लाइन में लगाया, ऐसे करके मैंने अपना जो पूरा है ना वो कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये मेरा जो कंपार्टमेंट है वो मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी यूज़ होगा, क्योंकि उस समय बाहर ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे जो टी शर्ट पजामा है, कंफर्ट वाली जो ड्रेसेस हैं वो सब मैंने इसमें रखी हैं, बाकी जो फैंसी ड्रेसेस वगैरह हैं वो सब मैंने यहां से हटा दी हैं। तो बस मेरी जो वार्डरोब है वो मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है और दिमाग की टेंशन भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने उसके बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी बैठे बैठे ना। मैंने बताया कि ये सब काम करने में ना 2 आवर्स लग गए, लेकिन क्लिप सिर्फ 2 या 3 मिनट की रहती है ऐसे ही। तो बस यहाँ पे चाय का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ चाय, और क्योंकि मौसम भी आजकल थोड़ा सा कोजी कोजी सा हुआ है और इवनिंग चाय तो मस्ट है ना। तो देखिए बाहर और अभी भी जो फ्लैग्स हैं वो लगे हुए हैं तो अच्छा लगता है देख के। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई है और अभी चाय के साथ हम लोग देखेंगे वेडिंग सीजन करके एक मतलब शो है। तो सौरभ बोल रहे थे काफ़ी मतलब वेडिंग प्लानिंग या वेडिंग सीजन ऐसे कि काफ़ी हिट जा रहा है ये देखो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वही लगाते हैं आज, क्योंकि आजकल टीवी पे भी ना ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए ना, तो बस कुछ भी लगाना ये सब। बाकी अभी हम लोगों ने गुल्लक कंप्लीट करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया गुल्लक सोनी लीव पे है, क्योंकि मुझसे पूछा था उस समय एक दो लोगों ने, वैसे मैंने मैसेज में रिप्लाई कर दिया था, वो अल्टीमेट है, उसके 3 सीजन हैं, वो आप लोग ज़रूर देखेगा। तो बस यहाँ पे अभी हम लोगों ने वही शो लगाया है तो वही हम इंजॉय करेंगे। और ना मेरी बैक में सुबह काम करते करते ना चनका टाइप आ गया और मतलब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो कंफर्ट पोजीशन नहीं मिल रही कि मैं मतलब कैसे बैठूं कैसे ना बैठूं, वो हो रहा है और ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। और वो आया भी अचानक से, पता नहीं कैसे आया, आई डोंट नो। मुझे कहाँ हो रहा है लेकिन ये लेकिन झुका नहीं जा रहा, मतलब स्ट्रेट और हो रहा है बिल्कुल, तो इसलिए मुंह इधर कहीं लगा दो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब थोड़ा सा भी झुका नहीं जा रहा। तो पता नहीं आज मॉर्निंग में ना कैसे ना वो कमर में चनका सा होता है ना वो आ गया है मेरी, और कुछ नहीं वो काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर अभी से करना शुरू नहीं करूँगी ना थोड़ा थोड़ा करके तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही ना मेरी हिम्मत बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी है। तो सौरभ से ना फिर मैंने अभी मूव लगवाई थोड़ा कि तुम मूव लगा दो, और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना, हालांकि हिम्मत नहीं है लेकिन मुझे पता है कि फिर होगा नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं नर्सिंग वो देख रही थी ड्रेसेस, तो जितनी भी ड्रेसेस है ना सब में साइड जिप है, अमित के टाइम में भी मैंने साइड जिप वाली वो नाइटी ले ली थी और वो यूजलेस होती हैं, लिटरली यूजलेस होती हैं। अगर आप लोग भी बाय करने का सोच रहे हैं जो मेरे साथ साथ प्रेग्नेंट हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, वो वाली बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि वो मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, मतलब मेरे केस में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी थी। और अभी ना मेरा वो ट्रेडिशनल गाउन यहाँ पे वही सब मिल रहा है तो खरीदने का मन नहीं हो रहा है,
तो फिर मेरी सिस्टर बोली कि तू एक काम कर, जो तेरी ड्रेसेस है ना, जैसे मेरा ये एक तरीके से नाइट गाउन ही आपने देखा होगा, तो फिर दीदी ने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ पे फ्रंट में जिप लगवा ले, और जो भी तेरी ऐसी ड्रेसेस हैं तो उसमें ना तेरे को इजी रहेगा, तो वो फ्रंट वाला ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ये सब लॉन्ग है, अब इनको मतलब नर्सिंग के लिए उतना वो नहीं रहेगा। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास ऐसी कई सारी ड्रेसेस हैं, तो पहले एक देके देखती हूँ वो कब देंगे, क्योंकि ये है ना कि ये काम हो जाएगा तो मुझे दिमाग को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैं कई सारी वेबसाइट्स देख चुकी हूँ। उस दिन हम लोग एक शॉप पे भी गए थे, वहां पे भी देख के आए, तो सब में साइड जिप मिल रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अभी मैं वही पास में टेलर है, अल्टर करता है, तो वही पूछ के आने वाली हूँ कि मतलब वो लगा देंगे क्या इसमें जिप। अगर लग गई और परफेक्ट हो गया फिर तो मेरे पास दो तीन ड्रेसेस हैं जिनमें मैं ऐसे मतलब जिप लगा लूंगी, तो इजी हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा करा के देखना, पहले मैं करा के आ जाऊं और अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अगर अच्छा रहा तो आप लोग भी फिर ऐसा ही करना, नहीं तो न्यू ऐसे ड्रेसेस बाय करके उसमें आप फ्रंट जिप लगा लेना, वो बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रहने वाला है। क्योंकि मेरे पास कुछ ड्रेसेस थी वहां पे जिसमें यहाँ पे बटन थे फ्रंट में, तो वो नर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही, रादर देन जो यहाँ पे जिप रहती है ना उसके अलावा। तो अभी मैं जाती हूँ टेलर से बात करके आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सब काम करने पड़ेंगे। हालांकि सौरभ बोल रहे थे कि तुम लेट जाओ, लेकिन मेरा ना मन होता नहीं है, मैं लेटी भी, लेकिन अगर सर पे कुछ काम अटका हो ना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोई नहीं लगाते यहाँ पे, दो ट्रेलर से पता किया, बोल रहे हैं कि हमने लगाते, कोकने चौक पे बैठ रहे थे, वहीं चल के देख लेते हैं। ये वहाँ भी तो बैठे थे उधर, वो पिंपले सुधाकर में, वो तो फिर दूर पड़ जाएगा ना हमारे घर से। फिर दिल्ली में जो सोसाइटीज के बाहर बैठे रहते हैं ना टेलर, हमारे आसपास ऐसा कोई बैठता नहीं है, वरना वो ना ये सब काम आराम से कर देते हैं। तो दीदी के घर के बाहर ही बैठता है टेलर, तो दीदी वही बोल रही थी कि मेरे पास भेज दे मैं सब करा देती हूँ, लेकिन वही है कि पता करना पड़ेगा यहाँ पे कोकोनट चौक पे भी होता है कि नहीं होता, एक बार जगदम्बा वाले से भी पूछ लेती हूँ मैं, है ना। बीस का भी आधा गड्डी दे दो, जो फ्रेश हो वो दे दो आप, हाँ दे दो जो फ्रेश हो, 20 का दे दो। बहुत दिन बाद आज नारियल पानी पीने का मन किया, इनिशियल डेज में वॉक करने आती थी ना, इतना नारियल पानी पिया ये वाले भैया से ही पिया पूरा नारियल पानी, और उसके बाद ना मुझे चिड़ लग गई थी, फिर बंद करा दिया। सौरभ ने घर पे भी लगवाए थे एवरीडे के नारियल पानी, वो सब बंद कर दिया। अब मैं बहुत समय बाद पी रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ से मुझे चिड़ हो गई थी फिर तो पी पी के। अब सौरभ बोले कि नारियल पानी आ गया तो नारियल पानी पी लो। ऐसे ही डिजाइन है, बस आप इसमें मिड से कट करके इतना लंबा इसमें जिप लगा दो। बेसिकली जैसे ये है ना, ये जैसे गाउन रहते हैं, तो ऐसे ही मुझे मतलब ये बनवाना है। आई थी लेकिन मुझे शॉप में ना ये मैटरनिटी पैंट पसंद आ गई, और ये वाला एक कैप्री है एकदम कंफर्टेबल सा, ये वाला पसंद आ गया, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा वो गाउन मैंने आपको बताया ना ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ले लेती हूँ। इसका ये देख के ना, प्लेन नहीं है क्या भैया?
फाइनली हम लोग आ गए हैं और इतने सारे टेलर से पता किया, कोई एग्री नहीं हुआ सिर्फ एक टेलर के अलावा, तो उन्होंने बोला कि वो कर देंगे कल आके ले जाना। तो अगर उन्होंने ढंग से किया ना तो फिर मैं अपनी और ड्रेसेस भी डाल दूंगी और ये वाला जो आइडिया है ना वो मतलब सक्सेस हो जाएगा। तो जिस शॉप के पास वो बाहर वो टेलर बैठे थे ना, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गाउन वगैरह टंगे हुए थे, होजरी वगैरह, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जो अपने नर्सिंग ड्रेसेस है ना वो भी एक दो देख लेती हूँ अगर मतलब एक्स्ट्रा में। तो वो गाउन थे, मैंने आपको बोला कि ट्रेडिशनल गाउन मुझे लेने नहीं है, स्पेशली वो साइड जिप वाले। तो फिर मैंने ना ये मतलब मैंने आपको मैंने एक ये वाली ये ली है जो प्रेगनेंसी लेगिंग होती है ना, ये बहुत कंफर्टेबल होती है। मेरे पास ऑलरेडी ये 4 हैं और ये तो ना मतलब डिलीवरी के बाद भी मतलब काम आएगी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ क्योंकि आगे फिर कैसे मौका लगे, क्योंकि हॉस्पिटल बैग में भी फिर जाएगी ना, फिर वॉशिंग वगैरह वहाँ पे होना ये सब चीज़ें, और पता नहीं कितने दिन रुकना पड़े, तो ये होनी चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना ये आप स्टार्टिंग में ही बाय कर लेना, क्योंकि मैंने भी सब स्टार्टिंग में ही बाय कर लिया था, और क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो ये ना ऊपर से ऐसी होती हैं। और ये ली मैंने और इसके साथ मैच करते हुए एक लूज टी शर्ट ले ली कंफर्टेबल सी। तो इनके मटेरियल बहुत अच्छे थे इसलिए मुझे पसंद आया कि हाथ के हाथ में ले लेती हूँ। तो कल जाऊंगी वापस, अगर इसकी लेंथ मुझे लंबी लगी तो वो अल्टर करके दे देंगे, लेकिन ये प्रेगनेंसी के लिए ना मस्ट हैव है। तो मैं आपको अपनी और पैंट भी दिखा दूंगी अगर आपको चाहिए। एक तो मैंने अभी पहनी हुई भी है, तो उनका भी ऊपर से सेम ऐसा ही है। एक मैंने मतलब चौड़े उसमें प्लाजो टाइप में लिया है, उसका भी सेम ऐसा ही है ऊपर से। और एक मतलब ये कभी दिखा दूंगी अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखा दूंगी, ये वाला जो मैटरनिटी पैंट वाला है ना। लेकिन ये आप शुरू में ही ले लेना, मैं तो एक्स्ट्रा में मतलब ले लिया कि आगे जरूरत लगेगा ही और बाद में डिलीवरी के बाद भी। और एक मैंने लूज सा ये ले लिया है कैपरी, तो ये भी मतलब काफी अच्छा लगा मुझे इसका प्रिंट वगैरह ना, तो मुझे लगा कि मटेरियल अच्छे हैं और ये सब आगे चल गए, क्योंकि अभी जो वेदर है वो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो मुझे लगा कि उस चीज में फिर लगेगा ही। और ये मतलब बेस्ट बाय है। और मैंने मतलब मैटरनिटी पैंटीज भी ली है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कपड़े ना दो दो तीन तीन दिन में जाके सूख रहे हैं, तो ये भी आप शुरू में इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने शुरू में ही ले ली थी 4-5 और वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इन्वेस्ट करने में आप बिल्कुल सोचना मत, जैसे मैटरनिटी पैंटीज हो गई, तो ये वाली बॉडी केयर की है जो बेस्ट है ना वो लावोस की हैं, वो बहुत बहुत कंफर्टेबल हैं और बॉडी केयर की भी अच्छी हैं। तो ये आप देखना तो मैं ले आई, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में भी लगेंगी फिर, और ये अपने पास होना चाहिए और बाद में भी काम आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जो नॉर्मल वाली होती है ना वो टमी पे फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर देना और एक्स्ट्रा पेयर रखना अपने पास। तो मैं मतलब ये एक्स्ट्रा के लिए ही अपना लेके आई हूँ। तो ये हो गया मेरा, और बस मेरा जिप वाला काम अगर हो गया ना तो आई एम सॉर्टेड, तो अब मुझे ईजी रहेगा अपना सब बैग वैग सब ये सब तैयार करने में, उनको सब वॉश वगैरह करूँगी। तो इन्हीं सब कामों में हम लोग आजकल लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान बढ़ रही है, तो इसीलिए। और हाँ अभी बनाना है अनमित के लिए पास्ता, तो दीदी आएंगी अभी, तो फिर उनसे चॉपिंग वोपिंग करा के पास्ता बना दूंगी इसका। तो यहाँ पे जो निर्मला है वो भी आ गई हैं और अनवित के लिए पास्ता बनेगा, क्योंकि आज दोपहर से ही शायद उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, दोपहर से बोल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। तो थोड़ा ही है पास्ता, बाकी सब लोग वैसे रोटी सब्जी खाएंगे, क्योंकि सौरभ का मन नहीं था पास्ता खाने का, तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि हम लोग भी चलो रोटी सब्जी खा लेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जी है वो लौकी आलू प्याज टमाटर डाल के सबका मिक्स बनने वाला है, तो पास्ता तो मैं ही बनाऊंगी। और निर्मला को वही बोला मैंने कि आप देख लो, क्योंकि अनवित आगे जिद करेगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो बोलने लगी ठीक है दीदी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं ये सब चीज़ें मैंने कभी बनाई नहीं तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि वो ट्रेनिंग फेज में ही है और बोलती है कि दीदी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो और फास्ट कुक करते हो, तो हम दोनों किचन में रहते हैं तो मतलब ऐसे बात करते रहते हैं और हेल्पिंग हैंड तो है ही वो भी। तो ये है, तो यहाँ पे मैक्रोनी थी मेरे पास, तो मैंने थोड़ी मैक्रोनी डाल दी और
इसमें मैंने ऐड कर दिया है कॉर्न पीस और थोड़ा सा मेरे पास स्पैगेटी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो सब्जी अभी छोकेंगे तो सब्जी में घी में बनाएंगे। इसमें जीरा ऐड किया है और अनियन ऐड किया है और अनियन ऐड करने के बाद ना इसमें सब जो मसाले हैं वो सब ऐड करेंगे, टोमेटोज ऐड करेंगे और अपनी जो लौकी और आलू है ना वो सब ऐड कर देंगे। तो ये तो रही हमारी सब्जी की कहानी। तो सब्जी बन जाएगी ऐसे और यहाँ पे जो मेरा पास्ता है वो भी मेरा बॉयल हो गया है तो अभी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ क्योंकि अनवित को व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है और माइल्ड रहता है ना बच्चों के लिए। और ये है कि अभी उसकी फरमाइशें पूरे कर दूंगी तो ठीक रहेगा क्योंकि फिर पास्ता वगैरह मम्मी भी कुक नहीं कर पाती ना, तो इसलिए ये है। और फरमाइश करता है तो मुझे अच्छा भी लगता है और बच्चा है तो वो पूरा करना ये है। तो बस यहाँ पे मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड कर दिया, फ्रेश गार्लिक ऐड कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ा अनियन और जो कैप्सिकम थी ना वो ऐड कर दी और इनको भून के मैंने अलग निकाल लिया। फिर वापस मैंने इसमें बटर ऐड किया है, बटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैदा ऐड किया है स्लोली स्लोली करके, लिटिल करके। मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी, एक साथ नहीं ऐड करूंगी क्योंकि फिर लम्स पड़ जाते हैं ना, और विस्कर की हेल्प से ही आप लम्स निकालेगा क्योंकि ये बेस्ट रहता है कोई भी मतलब ऐसे करी बनाने के लिए ना ऐसे वाली। तो बस इसमें मैं चीज ऐड कर दूंगी और यहाँ पे फिर अपना जो वेजिटेबल है और पास्ता है वो सब ऐड करूंगी, सॉल्ट ब्लैक पेपर ये ऐड करूंगी। और वो बोल रही थी निर्मला कि दीदी ये कैसा लगेगा, तो निर्मला को ना मैं जो भी कुछ नई चीज़ बनाती हूँ इसमें आप हरा धनिया जरूर ऐड करिएगा, मैंने पहले बार ऐड किया और अच्छा टेस्ट दिया था। तो बस यहाँ पे मैं अनवित को मतलब सर्व कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी और मैंने निर्मला को भी दिया टेस्ट करने के लिए। मना कर रही थी लेकिन ये क्या बोलते हैं, जब भी मैं कोई चीज़ खाती हूँ या फिर बनाती हूँ तो हमारा यहाँ पे है ही घर पे, मतलब हम लोग जो अगर ब्रेकफास्ट टाइम पे है जैसे हमारी जो दीदी आते हैं क्लीनिंग वाली हम उनको भी खिलाते हैं और निर्मला को भी मैं मतलब खिलाती हूँ, तो इससे क्या होता है हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बेचारे खुश भी हो जाते हैं। तो बोल रही थी कि दीदी मैंने पास्ता कभी खाया नहीं है, तो मतलब मना कर रही थी वो टेस्ट करने के लिए भी, तो मैंने कहा कि आप टेस्ट करके देखो करोगे तभी आपको पता चलेगा। बट उनको ना काफ़ी अच्छा लगा, बोलने लगी कि अच्छा है। मुझे लगा कि हो सकता है कि पहली बार खाए तो थोड़ा सा बगबगा लगता है ना, क्योंकि जब मैं शादी के बाद आई थी मैंने मम्मी को खिलाया था तो उनको भी ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट ना डेवलप हो जाता है। तो ये है और बस यही था आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो उसको लाइक के बिना जाना नहीं। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। पक्का पहली बार टेस्ट करे बकबका तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है।